सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फिर से नए वीडियो में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी व्हाट्सअप में चैट करते हैं या कोई व्हाट्सअप पर कहीं पर वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, व्हाट्सअप पर ये प्रॉब्लम आता है स्लो का। जब भी आप व्हाट्सअप चलाते हैं, किसी से बात करते हैं, चैट करते हैं, तो आपका व्हाट्सअप बहुत स्लो काम करता है। ये स्लो प्रॉब्लम आपको हर व्हाट्सअप में आता है, लेकिन हर कोई का व्हाट्सअप में स्लो वाला प्रॉब्लम आ जाता है। कोई भी व्हाट्सअप पर आप चैट करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं या कोई भी व्हाट्सअप से कोई भी ग्रुप पर आप शेयर करते हैं, तो आपको ये स्लो काम करने लगता है व्हाट्सअप, और वैसे में आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सअप के स्लो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कोई भी व्हाट्सअप पर कोई वीडियो कॉलिंग करता है या कोई आप व्हाट्सअप पर चैट करते हैं तो बहुत आपको स्लो काम करना है करता है, तो वैसे में अपने व्हाट्सअप को स्लो वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो ये हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइज, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं थे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि फिर से कोई नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, और व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो फ्रेंड देखिए, व्हाट्सएप पर कहीं पर भी मान लीजिए कहीं पर शेयर करते हैं कोई वीडियो या फोटो, या कहीं बात करते हैं या कहीं चैट करते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर स्लो वाला प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि आप कहीं पर भी आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग करते हैं तो नहीं जाता है, स्लो काम करता है व्हाट्सएप में, तो वैसे में आप अपने प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में आना है, और आने के बाद देखिए सबसे पहले आपको सबसे ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट ऑप्शन वाले पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे नीचे में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ से मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज एंड डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा है मैनेज स्टोरेज, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैनेज स्टोरेज करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको इस तरह से व्हाट्सअप मीडिया, और यहाँ पर देख रहे हैं ऐप से ऐड अदर टाइमिंग, देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो फ्रेंड से आप ज़्यादा बात करते हैं, चैट करते हैं, जो ग्रुप से ज़्यादा फोटो वीडियो आता है, उस ग्रुप के पहले आपको क्लियर कर देना है, डिलीट कर देना है। जैसे कि इसमें ग्रुप से ज़्यादा फोटो वीडियो आता है, तो मैं इस पर ऑल पर टिक कर दूंगा, टिक करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, डिलीट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ से इस तरह से आपको 0 KB देख सकते हैं कितना कितना MB इसमें लगा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से मैनेज स्टोरेज करना है। देखिए यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ से अगर मैनेज होने के बाद आपको व्हाट्सअप में स्लो वाला प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले आप अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लीजिए, और व्हाट्सअप अपडेट कर लेते हैं तभी आपका स्लो प्रॉब्लम आता है। तो अपने मोबाइल के सेटिंग में आना है, और मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद ही इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आने के बाद आपको ऐप का एक ऑप्शन रहेगा, नहीं तो आपको ऐप मैनेजर का ऑप्शन रहता है। जैसे कि मेरा वीवो का फोन है तो मोर सेटिंग दिया है, मैं मोर सेटिंग पर क्लिक करूंगा, यहां से ऐप मैनेजर पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहां पर जितना आपको मोबाइल में एप्लीकेशन होगा आपको दिख जाएगा यहां से। तो फ्रेंड आपको यहाँ से व्हाट्सअप को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम व्हाट्सअप को सिलेक्ट कर लेते हैं, और व्हाट्सअप को कैसे आपको ये स्लो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे आप व्हाट्सअप पर क्लिक करेंगे अपने मोबाइल के सेटिंग में, और आपको यहाँ से मिल जाएगा इस तरह का आपको इंटरफेस। आपको यहाँ से स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको आएगा डाटा क्लियर, आपको नीचे दिख रहा है डाटा कैच, तो इस पर आपको डाटा कैच पर आपको क्लिक कर देना है, क्लियर कैच पर। और क्लियर कैच पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और ये इस तरह से आपको कर लेना है, और आपका व्हाट्सअप अपने अपडेट कर लीजिएगा वो अपने प्ले स्टोर से, और ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। आप जो व्हाट्सअप चलाते हैं तो आपका स्लो काम करता है व्हाट्सअप, तो ये स्लो काम नहीं करेगा, आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो डालूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं अगले वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।